सजनवा विकासखंड के गोरखपुर खजनी मार्ग पर स्थित नगवा ग्राम सभा के ग्रामीणों ने मंगलवार को डीएम कार्यालय के समक्ष क्षेत्र में बन रहे कच्ची शराब के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया और कच्ची शराब के धंधे को तत्काल बंद कराने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना था कि मिनी डिस्टिलरी का रूप ले चुका नगवा गांव में अब तक अवैध कच्ची शराब पीने से दर्जनों लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कई बच्चे अनाथ हो गए हैं। उसके बावजूद पुलिस की मिलीभगत से गाँव में कच्ची शराब के कारोबारियों के हौसले बुलंद हैं। अगर समय रहते कार्यवाही नहीं की गई तो स्थिति भयावह हो सकती है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ग्रामीण और ग्राम प्रधान ज्ञानेंद्र चौहान ने बताया, जनता करे पुकार, कच्ची दारू बंद करो। हम लोग नगवा के बेलदारों का अत्याचार सह रहे हैं, जो दारू चुला रहे हैं। हमारे गांव में लगभग सैकड़ों से अधिक औरतें विधवा घूम रही हैं। हमारे ग्राम सभा नगवा से दारू के ही उद्देश्य से है और कोई कार्रवाई नहीं होता। हम लोग जब भी एप्लीकेशन देते हैं, पुलिस आती है केवल दिखावे के लिए, तोड़फाड़ करती है, उसके बाद चली जाती है और उल्टा ही जो शिकायत करता है उसको पकड़ लेती है। यहाँ डीएम साहब को देने आए हैं, अभी हम लोग मुख्यमंत्री साहब को भी देंगे और उसको एसएसपी साहब को देंगे। लगभग 3 साल से हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इतनी मोटी फाइल हम बना करके रखें, आप जब भी कहिएगा हम प्रस्तुत कर देंगे। कई एप्लीकेशन है, कई उस पर जो मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी कई लोग दिए हैं जो आपके सामने गवाह हैं। कहिए तो मैं किसी ने बात करा दूँ आपकी। अमित चौबे, धरना प्रदर्शन किया गया है, ये ग्राम सभा नगवा पोस्ट जैतपुर जिला गोरखपुर थाना सजनवा का मामला है। मामला ये है कि हम लोग विगत कई वर्षों से हम लोग शिकायत कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन भी तहसील दिवस पर किया गया और यहाँ शासन प्रशासन को अवगत भी कराया जाता है, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई समुचित कार्रवाई न करने की वजह से आज हमारे गाँव की इतनी दुर्दशा है कि बहन बेटियों का घर से निकलना मुश्किल सा हो गया है और शाम को तो कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता है और स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि आए दिन लोग मरते हैं, मर जब दारू शराब पीकर मर जाते हैं और लोग विधवा होकर लोग घूम रहे हैं। आज उनकी भी स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। ज्ञानेंद्र चौहान, ग्राम प्रधान नगवा।